हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मास्टर राकेश हल्दर। दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारा अपर बॉडी हाथों की स्पीड के साथ हाथों की ताकत कैसे बढ़ाई जाए, साथ में पैरों के एक स्थान से कुबू, जिसे कहते हैं कुबू, मागू और गुंगू मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखा रखा है। सो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको अपर बॉडी हाथों की शोका, जिसे कहते हैं स्पीड के साथ हाथों की ताकत कैसे बढ़ाई जाए, और साथ में पैरों के स्थान कुबू, उसको कंबाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम कुबू सीखते हैं। सो वीडियो को पूरा देखे, अच्छे से देखे। सबसे पहले हाथ को इस तरह से जोड़ लीजिए, अपने आप को इस तरह से जोड़ तो, यानी आपके पैरों को जोड़ के हाथ को इस तरह से पीछे बांध लीजिए, बिल्कुल एल्बो स्ट्राइक पोजीशन में। अपने पैर को 1 मीटर के अराउंड खोलिए। और यहीं से आपको इस तरह से कुबू बैठना है, और वन साइड बैंड करके टो को पूरा, आपके टो को पूरा अंदर की तरफ, और सोल उठा हुआ नहीं, पूरा जमीन पे लगा हुआ, घुटने को अंदर करिए, नी को इस तरह से हाथ को रखिए, अपना पूरा अदर लेग सोल को पूरा टच करिए, और अपने काफ मसल्स से टचिंग रखना है, एंकल पे बैठना नहीं है, काफ मसल से टच रखते हुए अपने एंकल के बीच और इनर थाई के बीच में आपको उठा के रखना है, और कमर सीधी इस तरह से देखते हुए, ठीक यहीं पे हम इस तरह से खड़े हो जाएंगे। दूसरे साइड से पंजे अंदर करते हुए इस तरह से, ध्यान रहे पूरा नी अंदर खींचा हुआ, सोल पूरा टचे अपना इनर थाई, काफ से टच होना चाहिए, एंकल से टच नहीं करना, उठाओ सोल कंप्लीट टचिंग जमीन पे, और इस तरह से आपको खींच के रखना है नी को, कमर सीधी रखते हुए कुबू। तो ये है हमारा कुबू स्टांस, इसको हम बारी बारी से करेंगे, ध्यान रहे। इसके साथ हमने अच्छे से कुबू स्टांस को कंप्लीट करते हुए वन कुबू, टू अप कुबू, अप कुबू, पुबु, आ, पुबु, आ। तो दोस्तों ये है पुबु। आइए अब हाथों की स्पीड को बढ़ाते हैं, सिर्फ पैरों की डिस्टेंस बनाए रखना है। अब अपर बॉडी हाथों की स्पीड, शोखा जिसे कहते हैं, बारी बारी से लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आपको बराबर घूमना है। ब्लॉक के भी काम आते हैं हमारे अपने डिफेंस के लिए। पहले आप अच्छे से हाथों को घुमाना सीखेंगे, उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ाएंगे। वन बराबर घुमाइए, हाथ के साथ पैरों के टो जाएगा। टू थ्री ऊपर से खींचा हुआ एकदम कान के बराबर। फोर वन टू थ्री बिल्कुल बराबर, लेफ्ट साइड जितना बॉडी घूमेगा, फोर उतना ही राइट साइड जाएगा।
वन टू थ्री फोर, चार भाग में हमने बांट लिया है। आइए टू काउंट्स में कंप्लीट करते हैं। वन टू ऊपर से, वन टू वन टू। सो एक काउंट में कंप्लीट करेंगे, चारों को जोड़ते हुए एक में कन्वर्ट कर देंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये है फाइव। कंबाइन करते हुए आइए इसको हम नॉन स्टॉप चलते हैं, फाइव टाइम्स, ट्वेंटी टाइम्स, थर्टी टाइम्स, फिफ्टी टाइम्स, एज यू विश, जितना आपके हाथ में ताकत है स्पीड के साथ घुमाएंगे। कंबाइन करते हुए नॉन स्टॉप स्पीड के साथ, ध्यान रहे वन टू थ्री फोर को कंबाइन करके वन, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में बराबर डायरेक्शन देखते हुए स्टार्ट। ये है शोभा, एक बार फिर स्पीड के साथ घुमा देंगे। शोभा, तो ये है शोभा, ठीक। इसी तरह से अदर साइड, दूसरे साइड भी हम शुरू करेंगे। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, टू काउंट्स में वन टू, बराबर दोनों बॉडी की डायरेक्शन वन टू, वन काउंट में एक साथ जोड़ देंगे वन वन टू थ्री फोर फाइव। तो लेफ्ट राइट दोनों को मिला के आइए एक साथ जोड़ देंगे नॉन स्टॉप, जैसे राइट साइड किया वैसे लेफ्ट साइड, टेन ट्वेंटी फोर्टी कंटिन्यूअसली करेंगे। स्टार्ट, यह है शोभा। शोभा कंप्लीट करने के बाद हमने चलना है पूछ छा, तो पूछ छान के लिए हम आपको अगले वीडियो में लेके आएंगे, उसको अच्छे से करेंगे। हम सैल्यूट, इसे कहते हैं हम सैल्यूट। सो दोस्तों आज के लिए मेरे वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम अगले वीडियो में मिलते हैं,
जिसमें आपको बताया जाएगा कि पुगु और शोक हवा का कोऑर्डिनेशन क्या है। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। ओम हरे कृष्ण, धन्यवाद।